मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 26 या 27 दिसंबर स्नान दान का शुभ मुहूर्त आज जरूर करेंगे एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का शुभ समय और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। यह साल की आखिरी पूर्णिमा भी होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2023 में मार्गशीर्ष या अगहन मास की पूर्णिमा सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय क्या है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर प्रातःकाल 5:46 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर प्रातःकाल 6:02 पर। चंद्रोदय का समय होगा 26 दिसंबर शाम 4:45। पूर्णिमा का स्नान दान होगा 26 दिसंबर सुबह 5:22 से सुबह 6:17। पूजा का जीत मुहूर्त होगा 26 दिसंबर दोपहर 12 से दोपहर 12:42। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को जल का अर्घ दें। पूजा स्थल में एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करें। चौकी के दोनों ओर केले के पत्ते लगाकर धूप दीप जलाएं। इसके बाद तिलक कर पीले फल फूल पंचामृत केले और हलवे का भोग लगाएं। अंत में सत्यनारायण जी की व्रत कथा पढ़कर आरती करें। शाम के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को देकर व्रत संपन्न करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा उपाय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा में मां लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन घर में चांदी का सिक्का या श्रीयंत्र लाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।